न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं, साथ ही आपको यह भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक है। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग सियासी रंग। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में जुबानी जंग जारी है, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में बनी 15 महीने की सरकार, कांग्रेस सरकार पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने वार किया है। उन्होंने कहा 15 महीने की कांग्रेस सरकार का विजन सिर्फ युवाओं को ढोर चराने और बैंड बजाने का था। 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दिया और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया है। स्वास्थ्य विभाग का पूरा पैसा छिंदवाड़ा भेज दिया गया। कमलनाथ जी के विजन की जो बात कही है, 15 महीने में उनके विजन को आपने भी देखा, हमने भी देखा। विजन क्या था? युवा ढोर चराएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया, पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। ये विजन कमलनाथ जी का था। 15 महीने में एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, सिंगल को, एक भी भर्ती नहीं निकली उन 15 महीने के अंदर। ये विजन कमलनाथ जी का है। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कह के झूठ बोलना, घोषणा पत्र में आने के बाद झूठ बोलना, ये विजन कांग्रेस और कमलनाथ जी का है। साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेश सक्सेना। राजेश जी, जिस तरह मध्य प्रदेश में सियासी गलियारों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर देखने को मिल रहा है, क्या लगता है उपचुनाव के नजरिए से सियासी माहौल लगातार गर्माता दिखाई दे रहा है और पल पल बदलती इस सियासत को देखकर यही कहा जाने लगा है कि अब सियासी फिजा भी बदली बदली सी नजर आने लगी है। और अब 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार रही उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और आज गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पूर्व सरकार कमलनाथ की सरकार पर निशाना साधते नजर आए, क्या कहें? देखिए कमर, निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने जिक्र किया और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति बदली हुई है, उसका कारण है कि जिस तरह से 15 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार सत्ता से बेदखल हुई और बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, तभी से जो आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर लगातार चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप उन पर भी है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पर आए हैं। कांग्रेस तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रही है और अपने उन विधायकों पर जो उनके कभी थे उन पर भी सवाल खड़े कर रही है। और अब चूंकि चुनाव है, 27 सीटों पर उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, और उसी को लेकर जो अब बयानबाजी है, जो आरोप प्रत्यारोप है, उसका दौर धीरे धीरे कमर तेज होता जा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि एक तरफ धर्म को लेकर बात होती है, ये कहा जाता है कि पहले बीजेपी पर जो तमका था, अब कांग्रेस उस राय पर जिस तरह से बढ़ी और बीजेपी इसको लेकर सवाल खड़े करती है। पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जिस तरह से विकास का अर्जुन बताया गया, एक पोस्टर चर्चाओं में रहा और सियासी गलियारों में काफी चर्चा उसकी रही। उसके बाद अब 15 महीने बनाम जब से बीजेपी की सरकार अभी जो कार्यकाल हुआ है या पहले जो 15 साल तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, उस पर सवाल है। कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती आई।